नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप इंकजेट प्रिंटर का जो कार्टेज होता है उसे सेट कर सकते हैं नए प्रिंटर के अंदर, या फिर जैसे आपको चेंज भी करना पड़े तो कैसे चेंज होता है। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले क्योंकि हम नए प्रिंटर में करके दिखा रहे हैं तो ये पिन्नी वगैरह आपको हटा लेनी है, टेप वगैरह नए प्रिंटर में आती हैं। कुछ अलग अलग कंपनियों का हिसाब है, जैसे कैनन के इस मॉडल में जिसका मॉडल का नाम है पिक्सिमा E3370, इसके ऐसे ढक्कन खुलता है, ये कलर प्रिंटर है। जैसे आप इसे देखोगे ये टेप के साथ में ये एक सेफ्टी लॉक होता है, ये साथ में आता है। हालांकि ये फ्लिपकार्ट से आया था तो हिल हिला के सारा एक सारा खुद ही हिल गया, ये खुद हट चुका है ये। लेकिन इसे आप क्या करते हो, ये किसी यूज़ का नहीं है, आप इसे चाहो तो रख भी सकते हो और फेंक भी सकते हो, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा होगा साफ साफ। अगर हम बात करें तो ये है कलर, और इसे फाड़ने के बाद में आप इसे कलर की जो इंक है इसको निकालने के बाद में कलर, तीन कलर होते हैं इसके अंदर, आरजीबी कलर नहीं होते कभी भी प्रिंटर के अंदर। लाइट के अंदर, टीवी के अंदर आरजीबी होते हैं लेकिन इसके अंदर नहीं होते। इसके अंदर होते हैं येलो, रेड और ब्लू शेड में होते हैं कलर। इसको ऐसे स्ट्रिप कटा के और पीछे वाले से पोंछ देना, क्योंकि जो शायद कुछ चिप विप रहती है कंपनी भी यही कहती है, उसको थोड़ा ना सीधा मत घुसे देना। सीधा अगर आप लगाओगे ये इस मॉडल के अंदर तो प्रॉब्लम करेगा, इसको हल्का सा इंक्लाइंड करके, हल्का सा टेढ़ा करके आप इसे फिट करोगे तो फिट होगा। अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा पूरा वीडियो में, लेकिन जब हम ब्लैक वाली कार्टेज लगाएंगे तब आपको पूरा दिख जाएगा। तो प्रोसीजर सेम रखना है, क्योंकि ये टूट सकता है, इसका जो लॉक है ये ज़्यादा फोर्स मत लगाना, ज़्यादा ताकत मत लगाना, क्योंकि प्लास्टिक का पार्ट है, अंदर भी प्लास्टिक का ही पार्ट है, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नॉर्मल से भी काम चल जाएगा। और चेक करने के लिए ढीला तो नहीं है, उसी लिए अभी ब्लैक है। और ये ब्लैक इंक कार्टेज में, इसके अंदर सिर्फ एक ब्लैक इंक होती है इसलिए ये ज़्यादा प्रिंट देती है। और इसको ऐसे हटा के हल्का सा इसके पीछे वाली पिन्नी से, और इसे याद रखना कि हाथ से टच नहीं करना आपको इसके, जो ये ब्लेड, ये प्लेट चेक कुछ भी हो जाए आप भी इसे हाथ से टच नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ से टच करते ही ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा ये। और इसके बाद में इसके छेद होते हैं, बहुत छोटे 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 नैनो नैनो छेद होते हैं इसकी प्लेट के ऊपर, जो कि इंक को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंक ड्रॉपलेट्स को। और इसको देखिए हल्के सा टेढ़ा करके लगाया मैं, और टेढ़ा करके आराम से फिट करेंगे, हो गया, फिर चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद में इसका लगा देंगे ढक्कन, शट डाउन कर देंगे इसको। तो ये कैनन का जो E3370 मॉडल है ये काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी मॉडल है। इंक कार्टेज लग चुकी है, अब इसके बाद में पावर केबल लगाएंगे, और पावर केबल को कनेक्ट करने के बाद में पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, फिर मैं वो सारा प्रोसीजर भी बताता हूँ और प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद में ये कुछ बटन है, पावर बटन दबा दिया हमने जिससे कि पावर आ गई है प्रिंटर के अंदर। अब ये कुछ चलता रहेगा थोड़ी देर तक, ये सर्चिंग करेगा क्योंकि वाईफाई प्रिंटर है, सारे काम इसमें होते हैं, तो सारा डाटा ये पहले कलेक्ट करेगा। ये देखिए इसके अंदर हर तरह का वार्निंग दे रखा है, कोई प्रॉब्लम हो या इंक ख़त्म हो जाए ब्लैक या कलर वाली तो लाइटें जल जाएंगी। बाकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर भी आपको पता लगता रहेगा सारी बातें। अब थोड़ी देर यहाँ पे पेपर रखे जाते हैं, और इसके नीचे वाला जो ये है फोटोकॉपी के लिए है प्लेट, जिस पर पिक्सिमा लिखा हुआ है, ये मॉडल फोटोकॉपी भी कर सकता है। स्टॉप करके इसे रोकेंगे क्योंकि ज़्यादा देर तक ना सर्च करें, ओके कर देंगे। पेपर का साइज भी आप सेट कर सकते हो इधर ही बटन से। और ये हमारे पास सैंपल है कैनन के इस प्रिंटर के साथ ही आया, तो इसी की हम फोटोकॉपी निकालेंगे। ब्लैक एंड वाइट तो हर किसी को पता है फोटोकॉपी निकल जाती है, लेकिन इसके अंदर कलर फोटोकॉपी भी निकलती है, जो ऑप्शन है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, और हम कलर फोटोकॉपी निकालेंगे। कितना टाइम लगता है, एक्यूरेट टाइमिंग आपको पता लग जाएगी। और अब ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो गया प्रिंट होना। और ये देखिए जितना टाइम इसमें प्रिंट होने के लिए लगेगा, मतलब पेपर को बाहर आने के लिए कितना टाइम लगता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब देखिए प्रिंट निकलेगा। हालांकि मैं आपको बता रहा था कि देखो लाइट के मामले में जो होता है ना कि आरजीबी कलर काम करता है, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर काम करता है, ये सारे के सारे कलर मिलके बाकी के कलर बना लेते हैं। लेकिन प्रिंटिंग के मामले में ऐसा नहीं होता, प्रिंटिंग यानी इंक के मामले में आप नहीं बना पाओगे कलर, इसलिए वहाँ पर यूज़ होता है रेड और आपका येलो और ब्लू। और रेड की जगह मैजेंटा भी लोग यूज़ कर लेते हैं, मतलब पिंक कलर का भी यूज़ कर लेते हैं, और ब्लू की जगह स्काई ब्लू भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि परफेक्ट कलर भी मिल सके। इसके बाद में ये देखते हैं, हम कंपैरिजन करेंगे क्या फ़र्क आता है अदर महंगे प्रिंटर से, क्योंकि ये देखिए 300 PPI जो होता है ये एक ड्रॉपलेट होती है पर स्क्वायर इंच की जो होती है कि कितनी ड्रॉपलेट गिरती है। अब ये देखते हैं क्या ये कलर बना है, इसके अंदर एक्यूरेट कलर कितना बन चुका है। ये देखिए रेड हल्का सा शेड हुआ है, क्योंकि ये जो मेरे हाथ में ये लेमिनेटेड है और काफ़ी बड़े प्रिंटर से प्रिंट की गई है, और ये नॉर्मल छोटे प्रिंटर से, मतलब ये प्रिंटर बेहतर है अगर आप छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर आपको डिटेलिंग पसंद आई है तो क्या करना है, आपको लाइक कर देना वीडियो, अगर नहीं पसंद आया तो डिलीट कर सकते हो या फिर डिसलाइक कर सकते हो।
वैसे डिलीट तो कर नहीं पाओगे यूट्यूब से वीडियो, बट डिसलाइक कर सकते हो, पर प्लीज़ चैनल हैक करके डिलीट करने की कोशिश ना करना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर आप जानना चाहते हो कि वाईफाई से कैसे कनेक्ट करें तो भी लाइक करके बताना ज़रूर।